हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानशीला में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक दिन का एग्जाम हो चुका है और क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्टेस्ट वे में क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब सॉल्यूशन तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ वो सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका है। और हमारे लिए देखिए प्रायोरिटी भी यही होती है, हम जितना जल्दी क्वेश्चन कर लें वो ज्यादा अच्छा होता है एग्जाम में। बिकॉज क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीड में करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया था आपको बता देता हूँ कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है एल, ब्रेथ है बी। अगर लेंथ को इंक्रीज करे 40% से और ब्रेथ को डिक्रीज करे 20% से, तो परसेंटेज एरिया जो डिक्रीज या इंक्रीज होगा वो कितना होगा। मतलब इस एल को मैंने 40% से बढ़ा दिया और ब्रेथ को मैंने 20% से कम कर दिया, तो इसका जो एरिया होगा वो चेंज होगा। तो इसका एरिया कितना परसेंटेज से चेंज होगा, है ना, मतलब वो बढ़ेगा या घटेगा ये हमें देखना है। अब देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या करने का, आप क्या करो, लेंथ को मानो 10 और ब्रेथ को मानो 10। अब आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर हो जाएगा, सेम साइज, तो कोई बात नहीं, जो स्क्वायर होता है वो भी एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, हमें परसेंटेज में दिया हुआ है वैल्यूज और परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो हमें सिंपल सी वैल्यू मानना पड़ेगी, 10-10 मान लिया आपने। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जो दिया हुआ है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 × 10 100। ठीक, अब इनकी गिवन कंडीशन क्या है, 40% लेंथ बढ़ी, लेंथ हमारे पास कितनी है 10, 10 का 40% कितना है 4, तो टोटल नई वाली लेंथ कितनी हो गई, L1 बोल देते हैं इसको, ये कितनी हो गई 14 हो गई। वैसे ही ब्रेथ को 20% कम किया, तो ब्रेथ जो नई वाली है कितनी है, 20% कम किया मतलब कितना हो गया 8, 10 का 20% 2, तो कितना हो जाएगा 10 − 2, तो ये कितना हो गया 8। ठीक है, अब जो नया रेक्टेंगल बना उसका एरिया है L1 × B1, मतलब 14 × 8, ये कितना हो गया 112। तो नया वाला एरिया जो आया है वो आया आपका 112, पुराना वाला था 100, कितना परसेंट बढ़ा, 100 का 12%, है ना, 12% बढ़ा तो हो गया 112। तो ये सबसे इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसके अलावा और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, जैसे कि आप 40% को 2/5 लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो 1/5, पर दोस्तों ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप वैल्यूज को इमेजिन कर लो, है ना, सबसे सिंपल वैल्यूज को इमेजिन कर लो और उसके बेसिस से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री का ही एक क्वेश्चन था, सर्कल का क्वेश्चन था, उसमें एक सर्कल दिया हुआ, सर्कल में 3 पॉइंट्स हैं, सर्कमफेरेंस पे ए बी और सी। ठीक है, अब ये बी सी एक कॉर्ड बन रही है, ए बी एक कॉर्ड बन रही है और ए सी एक कॉर्ड बन रही है। तो दिया हुआ क्या है कि सेंटर पे ये जो बी सी है ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो है ए सी ये बनाता है 110 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है, बी एंगल बी सी ए आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, पहले अपन सिंपल वाला तरीका देखते हैं आसानी से जल्दी से कैसे हो सकता है। एक चीज आप देखो यहां पे, ये आपका पूरा सर्कल, पूरा एंगल कितना होगा टोटल, ये पूरा 360 होगा, ठीक है 360 होगा। अब यहां पर 110 120 कितना हो गया 230 230 हो गया। ठीक है, 230 360 − 230 कितना हुआ 130। तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला, ये कितना आया 130 डिग्री। अब ये जो कॉर्ड आप देख रहे हो ए बी, जितना एंगल ये यहां पे सेंटर पे बनाती है उसका हाफ ये सर्कमफेरेंस से बनाएगी, तो ये वाला जो एंगल आपको निकालना है ये कितना आ गया 130/2, कितना हुआ 65 डिग्री। तो अगर आप ना ये फिगर बना लेते हो और आप इमेजिन अच्छा कर लेते हो ना, तो आपको इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, बड़ी आसानी से आप ये वाला आंसर निकाल सकते हो। इसके अलावा और क्या तरीका है इसका आंसर निकालने का, आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि देखिए ये वाला एंगल दे रखा 120 डिग्री, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों है रेडियस, है ना, ये रेडियस है, ये दोनों अगर लाइन बराबर है तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला आइसोसेलिस ट्राइंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो कितना हो जाएगा, अगर ये 120 है तो ये कितना हो गया 30 और 30। वैसे ही इसको देखो, ये अगर 110 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 35 और 35, सेम कॉन्सेप्ट से, तो 30 + 35 आपका आ गया 65 डिग्री। तो दोनों ही तरीका सही है, जिस तरीके से आप करना चाहो किसी भी क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो, जो तरीका आपको शॉर्टेस्ट लगता है आपकी प्रैक्टिस में उसी को आप फॉलो करो। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें क्या दिया हुआ था, ये आपकी गिवन कंडीशन है, 5 tan a = 4, और आपको निकालना था इसकी वैल्यू। इसको आप एक तरीका ये भी करने का कि आप ऊपर नीचे मतलब न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो कॉस ए से, तो ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। बट एक और उससे ज्यादा आसान तरीका क्या है, 10a की वैल्यू लिखो, 10a की वैल्यू है 4/5, 10a क्या होता है, sin a/cos a, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, sin a की वैल्यू हो गई 4 और cos a की वैल्यू हो गई 5। ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, बस कुछ नहीं करना, sin की जगह 4, इसकी जगह 5, यहां पे इसकी जगह 4, इसकी जगह 5। अब देखो 2 4 जा 8 माइनस 5 3 जा 15, यहां पर 4 + 10 = 14, ये कितना हो गया -7/14, तो वैल्यू क्या आ गई -1/2, ठीक है। तो ज्यादा आसान तरीका ये वाला है कि आप 10a को 4/5 लिखो, साइन ए की वैल्यू 4, कॉस ए की वैल्यू 5। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन था जिसमें a + b की वैल्यू दी हुई थी आपको 45 डिग्री, और आपको 2 × 1 + 10a × 1 + 10b की वैल्यू निकालना है। देखो इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप ये वाला फॉर्मूला रख दो, 10 a + b का फॉर्मूला है ना, तो वहां से आप निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा लेंदी होगा। यहां पर आप क्या करोगे, वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करोगे। मैंने आपको कई बार कई क्वेश्चंस पहले बताए भी हैं जिसमें आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए, बहुत मुश्किल काम नहीं। देखो आपको दो ऐसी वैल्यू सोचना है जो कि सेटिस्फाई कर दे इसको। यहां पर अगर आप 15 डिग्री रखोगे, 15 + 30 करते हो तो 10 30 की वैल्यू तो निकालोगे, 15 की निकाल पाओगे। तो आप कुछ मत करो, ए को मान लो आप 45 डिग्री और बी को मान लो आप 0, ठीक है। अब आप ये जैसे वैल्यू ये वाली वैल्यू रखोगे तो यहां पर आप क्या होगा, देखो 2 × 1 + 10 = 45 कितना होता है 1 × 1 + 10 = 0 कितना होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो काफी लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि जहां पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हो तो वैल्यूज पुट जरूर करना। अब एक क्वेश्चन था एलजेब्रा का जिसमें ये दिया हुआ था x - y = 4, xy = 45, आपको निकालना है x³ - y³ की वैल्यू। देखो या तो आप इसको ऐसे करोगे कि आप a³ - b³ का फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। वापस आपको क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट कैसे कर सकते हैं, देखो xy का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 45, यहां पर इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 15, या मैं लिख सकता हूं 9 × 5, है ना। अब इन वैल्यूज को आप पुट करके देखो, x की वैल्यू रखते हैं 9 और y के रखते हैं 5, 9 - 5 = 4 सेटिस्फाई हो रहा है, और 9 + 5 = 45 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हम x = 9 रखेंगे, y = रखेंगे 5, यहां पर क्यूब करना है तो 9³ - 5³, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और ये होता है 125। आंसर निकालो कितना है 604 आंसर, ठीक है। तो कोशिश करना वैल्यूज पुट करने की, हो सकता है पॉसिबली आपका दिमाग इस तरफ जाएगा कि आप पहले फॉर्मूला यूज करो, बट हमारा पर्पस मैंने आपको बताया क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करना है, ना कि फॉर्मूला यूज करना, ठीक। इसके बाद एलजेब्रा का एक और क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ है आपको x + y = 7, y + z = 9 और z + x = 12, और आपको निकालना क्या है x²/yz। इसकी जगह वो ये भी दे सकता था y²/xz की वैल्यू निकालो या z²/xy की वैल्यू निकालो। इस सबको निकालने का एक तरीका है, क्या करो आप तीनों को ऐड करो, ऐड करने पे क्या होगा 2 × x + y + z, क्या हो गया ये 12 × 9 = 21 + 7 = 28, 28। तो x + y + z की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। अब हमें क्या करना था, x और y और z की तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो काय की वैल्यू आ गई, z की आ गई कितनी 7, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 - 9 = 5, और बचा y, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आ गया 2। बस ये जो वैल्यू आई है हमारे पास एक्स वाई जेड की, इसको पुट करेंगे यहां पर, x की वैल्यू यहां पर देखो 25 5 + 25 और yz 7 × 14 25/14 आंसर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में इतना दम नहीं था। अब एक क्वेश्चन आया था ट्रेन वाला, उसमें क्या दिया हुआ था, एक ट्रेन है वो किसी पोल को क्रॉस करती है, एक पोल है इसको क्रॉस करती है वो 12 सेकेंड्स में, ठीक है, और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 36 सेकेंड्स में,
और 36 सेकेंड में क्रॉस करी। इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो दे रखी है 170 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 170 मीटर। और हमें निकालना क्या है, इस ट्रेन की स्पीड निकालनी है, इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहली चीज, ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं टी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी टी बाय 12। क्यों? पूरी लेंथ जो होगी ट्रेन की कवर होगी जब पोल से वो क्रॉस होती है उतना डिवाइड बाय 12, ये होगी आपकी लेंथ, है ना। इज इक्वल टू ट्रेन की स्पीड क्या हो सकती है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 170 डिवाइड बाय 36, क्योंकि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगाया, 36 सेकेंड्स। इसको सॉल्व कर लो तो आपको ट्रेन की लेंथ मालूम पड़ जाएगी, 3 ये हो गया, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 85, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी है 85 मीटर्स। अब हमें निकालना क्या, स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना तो क्या 85 बाय लेंथ बाय 12, ये आ गई स्पीड। अगर इसको मीटर, अगर किलोमीटर पर आर में पूछा हुआ है तो आप क्या करोगे 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इसको अगर किलोमीटर पर आर में निकालना हो तो 2 जा 3 जा 5 1 जा 17 जा 51 बाय 2 मतलब 25.5 किलोमीटर पर आर इसका आंसर है। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 25.5। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा बट इतना मुश्किल भी नहीं है कि नहीं कर पाए, स्पीड में करोगे तो बहुत सारे स्टेप्स आप छोड़ सकते हो कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो ट्राई किया करो माइंड में बहुत सारे कैलकुलेशन सॉल्व करने की, उससे काफी टाइम बच जाता है। फिर एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कोई रोलर है, वो रोलर ऐसा कुछ रोलर है जो चल, जिसकी रेडियस है 50 सेंटीमीटर और अगर वो 8 बार रोल होता है ना, 8 टाइम्स अगर रोल होता है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है ये पूछा है उसमें। ठीक है, तो मुझे लगता बहुत ही सिंपल होगा, ये एक बार रोल करेगा यहां से पूरे यहां तक तो कितना होता है 2πr होता है। ठीक है, और 2πr 8 बार रोल करेगा तो इंटू 8 कर दो, रेडियस आपको दे रखी है 50, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है, बाकी बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको बताया है कि ये फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, तो काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। तो इसमें क्या हुआ, दिया हुआ था कि कोई आर्टिकल है जिसकी मार्क्ड प्राइस है ना, मार्क्ड प्राइस पे 28% डिस्काउंट करके, 28% डिस्काउंट करने के बाद जब वो उसको बेचता है तो भी वो 12% प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, तब भी वो क्या कमा लेता है, 12% प्रॉफिट कमा लेता है। और जो मार्क्ड प्राइस दे रखी है 224 रुपीज, 224 रुपए दे रखी है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब कितने में उस दुकानदार ने उस चीज को खरीदा था। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, मार्क्ड प्राइस में से, मार्क्ड प्राइस में से जब आप डिस्काउंट करते हो, है ना, डिस्काउंट करते हो तो क्या आता है सेलिंग प्राइस, है ना, मतलब कितने में एक्चुअली आप उसको बेच रहे हो। उस सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट निकाल दूं, प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो वो क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब एक चीज आप देखो, यहां पर दिया हुआ 28%, मैं इसको दो मिनट के लिए भूल जाता हूं, मैं आपको बात करता हूं कि मान लीजिए जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज है, और मैं 100 रुपीज में 28% का डिस्काउंट करता हूं तो कितने रुपए मैंने माइनस करना है, मुझे करना है 28 रुपीज। ठीक है, तो कितना बचा, 72 रुपीज बचा। 72 रुपीज क्या है, सेलिंग प्राइस, है ना, डिस्काउंट करने के बाद में कितने में बेच रहा हूं वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। तो 72% ऑफ मार्क प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर डायरेक्ट कि 72% ऑफ मार्क प्राइस क्या है, 224 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है ना। और यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, आपको निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं, 12% प्रॉफिट है तो 12% प्लस कॉस्ट प्राइस मतलब 112/100, ये क्या है, ये भी तो सेलिंग प्राइस है। मैंने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया तो मतलब जो प्राइस आई वो क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस कहलाएगी। तो डेफिनेटली ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो, ये से ये कटा और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहां से ये तो हट जाएगा और कॉस्ट प्राइस आपकी आ जाएगी। ठीक,
तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, कोशिश करूंगा और जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं ट्राई करूंगा आपको सॉल्यूशन देते जाऊं उसका, ताकि आपको एक अवेयरनेस मिलती रहे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना, जाने से पहले एक बात सुन लो कि अभी देखो पहले दिन में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन का जो पेपर का जो लेवल है वो काफी मॉडरेट है, मतलब टफ नहीं, इसको बहुत इजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का है। तो आप अपने मन में ये भाव लेके मत जाना कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पहला दिन था तो पहले दिन में पॉसिबली लेवल SSC जो होता है ना लेवल, उसको मॉडरेट रख सकता है, जरूरी नहीं कि आगे ऐसा हो। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि आप हो अगर ये मान के जाओगे और मान लो पेपर में ऊपर नीचे कुछ हो गया एग्जाम वाले दिन, तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, ठीक है। तो जो आपकी तैयारी है उस पर बिलीव करो, उसी पर विश्वास करो, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आपको सब कुछ आता है। बस मेरा एक बात आप ध्यान रखना कि आप जो पेपर देने जाओगे तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करने की, जितने क्वेश्चन आप कर सको। क्यों? क्योंकि यहां पर है ना माइनस मार्किंग आपकी 1/4 है, ठीक है। SSC का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि माइनस मार्किंग यहाँ पे 1/4 होती है, किसी भी एग्जाम में 1/4 नहीं होती, जनरली ज्यादातर जो एग्जाम होती है उसमें 1/3 होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप 5 क्वेश्चन भी ऐसे करते हो जिसमें आप डाउट सिचुएशन में हो, मतलब कि आपको 2 ऑप्शंस पर डाउट क्रिएट हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 5 क्वेश्चन भी मान लो ऐसे होते हैं दोस्तों, उन 5 में से मान लो आपको एक ही क्वेश्चन आपका सही हो गया और 4 गलत भी हो गए, तो आपकी सिचुएशन वहीं के वहीं पे ही है, आपको इसका 1 नंबर मिलेगा और 4 क्वेश्चन की माइनस मार्किंग आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि ट्राई करना कि क्वेश्चन पेपर को जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम अभी हो चुका है तो मैं आशा करता हूं कि अच्छा पेपर गया होगा और अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे। आपका एग्जाम अगर अभी होने वाला है तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करना और अच्छे से पेपर देके आना, ठीक है। यहां तक वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।